नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एज ए ट्रेडर्स में। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स, मैंने निफ्टी के बारे में आपको बोला था कल, मैंने आपको निफ्टी का लेवल दिया था, फ्लैट जोन कौन सा था, 70,250 से लेकर 70,320। और आज का ओपनिंग उसने हुआ है उसका 70,330, यानी बराबर फ्लैट ओपनिंग ही हुआ है उसका आज। और मैंने जो आपको लेवल दिया था डाउन के साइड में 70,250, उसको ब्रेक करके मैंने पहला टारगेट आपको दिया था 70,200 और दूसरा टारगेट मैंने दिया था 70,100। आप यहाँ पे चेक कर सकोगे फ्रेंड्स, उसने दोनों टारगेट हमारा अचीव कर लिया और तीसरा टारगेट मैंने दिया था 70,000। तो मुझे ये लगता है कि कल टुमारो 70,000 भी आ जाएगा। चलो देख लेते हैं कल निफ्टी में क्या होगा। इससे पहले मैं ये लेवल निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, ऊपर वाला ये कुछ काम का नहीं रहा हमारा। अभी जाएगा ये भी जाएगा, हाँ इसको मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। चलो हम फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स कल के लिए नया, ये भी निकल जाएगा। इसको हम ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। चलो ये अच्छा बढ़िया सा फ्लैट जोन मिल गया हमें, ये वाला। ओके, यहाँ पे आप चेक करोगे कि 15 मिनट में ये वन टाइम सपोर्ट लिया, ये सेकंड टाइम सपोर्ट लिया और आज लिया है उसने, यहाँ पे क्लोज किया अपने सपोर्ट के पास। तो कल देखते हैं कि कल क्या होता है। अगर तू मोरो हमारा फ्लैट जोन मैंने आपको ड्रॉ किया 70,110 और 170 पकड़ लो, ये हमारा कल के लिए फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड्स, जिसका मैं प्राइस लेवल भी लगा लेता हूँ 70,100 और ये रहेगा हमारा 70,170। अगर निफ्टी कल फ्लैट जोन में ओपन होती है और डाउन की साइड में अगर ये ब्रेक करेगा 70,100 तो क्लियर कट हमारा पहला टारगेट आएगा 70,000। ओके, और दूसरा टारगेट डाउन की साइड में आ सकता है फ्रेंड्स, दूसरा टारगेट आएगा उसका डाउन की साइड में, देखते हैं हम अभी। ये पकड़ लेता हूं मैं 60,950 के आसपास आएगा। ओके, 60,950 ये रहा हमारा डाउन के साइड में। हो सकता है अगर गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है इसी लेवल पे 17,000 या 16,950 के पास, और अगर वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है, हैमर कैंडल बनती है, तो आप बाय भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, वैसे ही अगर अपसाइड में 70,170 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा अपने अपसाइड में 70,220 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 70,280, ये वाला। ओके, ये आएगा 70,220 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 70,275। ये हमारा हो गया निफ्टी का। फ्रेंड्स, एक बार ध्यान में रखो आप, अगर जब भी फ्लैट ओपन होता है उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल ब्रेक करती है 5 मिनट की, मैं जो लेवल दे रहा हूँ उसका, उसके बाद की नेक्स्ट कैंडल अगली वाले कैंडल को ब्रेक करेगा, तभी आपको कॉल या पुट बाई करना है। ओके, जैसे कि ये मैंने आपको लेवल दिया है, अगर एक कैंडल कल के ओके यहाँ पे कोई ऐसा रेड कैंडल बनी है फर्स्ट 5 मिनट की और सेकेंड कैंडल बनेगा उसका ऐसे बनेगा, और उसके बाद ये जो लो बना है फर्स्ट कैंडल का 5 मिनट का, उसको जब ब्रेक करेंगे ना तभी आपको पुट लेना है, जब भी फ्लैट ओपन होती है तब। वैसे ही अगर हम देखा जाए कॉल के साइड में भी सेम ऐसा ही है। कॉल के साइड में मैंने जो आपको लेवल दिया फ्लैट जोन 70,170 और यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के बाद 70,170 ऐसे ब्रेक करेगा और नेक्स्ट कैंडल फर्स्ट वाली 5 मिनट की कैंडल को
ब्रेक करेगा ये वाला, तभी आपको कॉल बाई करना है, और उसका स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लग सकते हो। ओके, चलो अब देखते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, मैं ये लेवल जो दिया है मैंने, ये जो रो किया उसको मैं निकाल लेता हूँ, निकालना ही पड़ेगा उसको मुझे, तभी आपको समझ में आएगा कुछ। फ्रेंड्स वन डे के अंदर में अगर आप चेक करोगे, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों ने बेरिश कैंडल बनाया है फुल, तो तुम्हारा पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि आज के लो को ब्रेक करेगा तो डाउन ही जाने वाला है। अभी बैंक निफ्टी कितना डाउन जाएगा वो हम देख लेते हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं कि कल मैंने आपको जो बोला था उसके हिसाब से बैंक निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स मैंने बैंक निफ्टी का आज का ओपनिंग हुआ है फ्रेंड्स 36,570, और मैंने आपको बोला था फ्रेंड जोन दिया था आपको 36,350 से लेके 36,560, उसके ऊपर ओपन तो हुआ लेकिन वहाँ वो टीका नहीं। ओके, 5 मिनट के खंड में आप चेक करोगे ना तो आपको वहाँ पे पता चलेगा ये रहा हमारा 950 का कैंडल, ये 5 मिनट का कैंडल है फ्रेंड्स, उसका ओपनिंग हुआ है 36,570 और उसने हाई मारा 36,600, और पहले कैंडल डायरेक्टली आ गया नीचे फ्रेंड्स। ओके, तो फर्स्ट कैंडल को हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ तक जाती है, कहाँ ओपन होती है, और लो क्या रहेगा, हाई क्या रहेगा उसका। वैसे ही मैंने आपको दिया था 36,350 ब्रेक करेगा, तो मैंने आपको पहला टारगेट दिया था बैंक निफ्टी में 36,250, और सेकंड टारगेट मैंने आपको दिया था 36,050, और तीसरा टारगेट भी मैंने आपको दिया था 35,800। अगर आज का लो आप चेक करोगे फ्रेंड्स तो उसने आज का लो मारा है 35,900, यानी तकरीबन 2.5 से 3 टारगेट हमारा अचीव हो गया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं अब कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो एक काम करता हूँ, आज का लेवल को निकाल लेता हूँ मैं। ओके, अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट में आप चेक करोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है ऐसे, आज उस ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकअप दिया है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने। ओके, ये वाला तो पहले सबसे पहले हम मार्क करते हैं हमारा फ्लैट जोन। ये फ्लैट जोन क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए फ्लैट जोन। यहाँ से ये आ गया, अभी देखते हैं फ्लैट जोन का लेवल कौन सा आता है हमारे लिए। ये डाउन के साइड में आ गया 35,900, और ये अप साइड में आ गया 36,150, और उसका क्लोजिंग हुआ 36,020 के आसपास, यानी 18 पे। तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ फ्रेंड्स, हमारा फ्लैट जोन रहेगा ये वाला 36,120 अप साइड में और 36,000 डाउन साइड में। ओके, सॉरी 35,900 डाउन साइड में। अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन में ओपन होती है और उसके बाद 35,900 को ब्रेक करेगी डाउन के साइड में, तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स 35,800, और दूसरा टारगेट आएगा उसका उसका दूसरा टारगेट आएगा 35,600, और तीसरा टारगेट भी आ सकता है, लेकिन तीसरा टारगेट मैं नहीं दूंगा अभी, दो टारगेट ही लेके पकड़ के चलना है हमें अभी। और अपसाइड में अगर 36,120 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 36,250, और सेकंड टारगेट आ सकता है उसका 36,400, ये रहेगा अपसाइड के अंदर। अभी हम इसका प्राइस लेवल मार्क कर देता हूँ मैं, 35,900 डाउन के साइड में, 36,118 अप साइड में, डाउन के साइड में 35,900 ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में पहला टारगेट आएगा 35,800, और दूसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में 35,600। और वैसे ही अप साइड में हम देखते हैं 36,120 ब्रेक करेगा तो 36,250,
और दूसरा टारगेट आएगा 36,400 अपसाइड में। ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूवमेंट करती है तो आप एट द मनी वाला जो आप कॉल हो या पुट हो लोगे ना, तो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा 50 से 60 पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। यानी समझो कि 35,900 ब्रेक करने के बाद अगर 100 पॉइंट नीचे जाएगा 35,800, तो यहाँ पे आपको लेना है 35,900 का पुट लेना है और उसका प्रीमियम रहेगा जो भी रहेगा उसके ऊपर 50 रुपीज़ से लेके 60 रुपीज़ आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। वैसे ही अपसाइड में तो हमें 100 पॉइंट भी मूवमेंट पकड़ लेते हैं ना, तो 50 रुपीज़ प्लस हमें प्रॉफिट मिलेगा एक लॉट के ऊपर। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।